चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं वो और जो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हैं वो दोनों लोगों के लिए ये आवश्यक है। एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस, इसका क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। जो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में, उनके नए सिलेबस के अनुसार ड्राइंग में ये ऐड किया गया है। तो इसको आप वीडियो को मैं पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा। आने वाले टाइम में आपको कई पार्ट इस पे मिलेगा वीडियो, तो आप जरूर देखिएगा, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक है आपका एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस। तो सबसे पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड लाइंस क्या होती हैं। ओवरहेड लाइंस जैसे जो हमारे अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो हैं उनका एस्टिमेशन और कास्टिंग है ओवरहेड का और अंडरग्राउंड का। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो होती हैं वो उनका वोल्टेज कितना होता है, कितने वोल्ट तक हम करते हैं, तो वो आपका होता है 11 kV की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो अर्थात सेकेंड जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका आपको एस्टिमेट कास्ट करना होगा। उसके बाद अंडरग्राउंड है उसको भी करना होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम क्या होता है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम हम उसको कहते हैं जहाँ से हमें अर्थात जो कंज्यूमर है, जो कस्बे हैं, जो सिटी हैं, उनको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में जनरेट होती है, वहाँ से ट्रांसमिट होकर के सब स्टेशन तक आती है, सब स्टेशन के बाद में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसके अनुसार आपके कंज्यूमर्स जो होंगे वो इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, तो उनके आधार पे अलग अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले अब देखिए जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि उसमें जो लगने वाले जो उसको सहायता प्रदान करते हैं पावर सप्लाई को ट्रांसमिट करने के लिए, वे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पहला आपका है जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, जनरेटिंग सिस्टम। तो जनरेटिंग सिस्टम जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट भी है, हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो जनरेटिंग सिस्टम है 11 kV पे पावर सप्लाई जनरेट की जाती है, उसके बाद में उसको स्टेप अप करके भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पे जो जनरेशन होगा वो 3 फेज का होता है, और उसके बाद में जब ट्रांसमिट हो जाती है पावर तो वो 3 फेज RYB, 3 वायर, 6 वायर, 12 वायर भी होती है, और DC ट्रांसमिशन भी होता है। या पावर सिस्टम में पड़े होंगे उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर जो आपके घर तक सप्लाई आती है उसका क्या ओवरव्यू है। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से 11 kV जनरेट हुई पावर, 132 kV में इसको स्टेप अप किया गया, या फिर 220 या 400 kV तक स्टेप अप करके हम ट्रांसमिट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 765 kV तक ट्रांसमिशन हो रहा है, ये पुराना है तो इसकी वजह से डाटा इसमें पुराना है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम वहाँ से स्टेप डाउन करते हैं, ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो 132, 220, 400 को 66 या 33 में जो परिवर्तित किया गया है। उसके बाद में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका 66 kV या 33 kV होता है, उसको हम
स्टेप डाउन करके 11 केवी में लेके आते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका 11/0.4 KV होता है, मतलब 400 वोल्ट होता है RYB। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर इधर निकला है, सर्विस मेंस है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फीडर है। अब देखिए इन तीनों चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि सर्विस मेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और आपका फीडर क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए, आगे बताते हैं आपको। तो देखिए ये आपकी एक लाइन जो आ रही है, ये हो गया सब स्टेशन, और यहाँ से एक लाइन आती है ऐसे आपके गांव के कस्बे के बाहर, यहाँ दो पोल लगा होता है, इस पर एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, फिर इस ट्रांसफार्मर के इधर से एक वायर आता है आपके घर तक। ये आपका प्यारा सा छोटा सा घर है और इसमें सप्लाई आती है। अब यहाँ से ये जो है लाइन, वो कंडक्टर वाइज को फीडर बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं और इसको सर्विस मेंस बोलते हैं। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे। तो फीडर का मतलब ये होता है कि जो कंडक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंडक्टर यूज किया जा रहा है उसी का नाम है फीडर। तो फीडर जो होता है वो आपका 11 KV का भी हो सकता है, 33 KV का भी हो सकता है, लेकिन ये 3 वायर RYB का ही होता है। फीडर में से किसी भी प्रकार की टाइपिंग नहीं करते हैं। टाइपिंग का मतलब ये होता है कि उसमें से कोई तार कटिया फंसा के आप नहीं चला सकते हैं। और ये जो फीडर की डिजाइन होती है, इसकी डिजाइन होती है करंट रेटिंग के आधार पे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ये आपका सब स्टेशन हो गया, फीडर यहाँ तक आया, उसके बाद में सब स्टेशन से फिर स्टेप डाउन होती है सप्लाई, स्टेप डाउन होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये 11 KV हो सकता है फीडर, 33 KV भी हो सकता है और 66 KV भी हो सकता है। और कई लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर वो जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके कंडक्टर को क्या बोलते हैं, तो दैट्स आल्सो नोन एज ए फीडर। ओके, सो आगे डिस्ट्रीब्यूटर, तो फीडर कंफर्म हो गया होगा, फीडर हुआ चालक कंडक्टर वायर होता है जिसके द्वारा सप्लाई हम क्या करते हैं सब स्टेशन तक ले जाते हैं, या फिर सब स्टेशन, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक ले आते हैं। उसके बाद आती है बात, अब यहाँ से जब स्टेप डाउन हो गया, स्टेप डाउन होगी सप्लाई, स्टेप डाउन होने के बाद में तो ये जो सप्लाई होती है फीडर, ये होता है फीडर के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर की 400 वोल्ट होती है, ये RYB और N ये होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर से हम क्या करते हैं टाइपिंग कर सकते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं अपने घर के जो सप्लाई आप देख रहे हैं ये ऐसे आ रही है, ये सप्लाई, ये ट्रांसफार्मर बाय द वे कभी कभी लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो हमारी सप्लाई है यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल है ये वाला फीडर पे जहाँ पे स्टेप डाउन हुई है ये बहुत दूर है, तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो ये वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन है बहुत कम होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ चालक तार होता है जो सब स्टेशन और कंज्यूमर के एंड को बीच की कड़ी है, सब स्टेशन और कंज्यूमर के बीच के कड़ी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अब सर्विस मेंस क्या होता है, सर्विस मेंस जो होता है
कंज्यूमर के एनर्जी मीटर, ये एनर्जी मीटर है, यहाँ से लेकर के ऐसे निकलते हुए डिस्ट्रीब्यूटर में जो कंडक्टर, ये केबल जो यूज कर रहे हो आप, ये वाली, ये इस एनर्जी मीटर से लेकर के इस डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो कंडक्टर यूज होगा, इसको हम सर्विस मेंस बोलते हैं। और इसकी डिजाइन, सर्विस मेंस की डिजाइन कंज्यूमर के लोड के हिसाब से होती है, और डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइन हमारी वोल्टेज के आधार पे होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी जेई की एग्जामों में पूछ भी लिया जाता है। तो ओवरऑल आपको बात क्लियर हो गई होगी, अब आप ये कभी नहीं भूलेंगे, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, फीडर क्या है, सर्विस मेंस क्या है, क्योंकि अभी आने वाले लेक्चर में इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब आ गए हम मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस, जो मुख्य अवयव हैं ओवरहेड लाइन के, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जब लिस्ट तैयार करेंगे एस्टिमेट करने के लिए, अंडरग्राउंड लाइंस है या फिर ओवरहेड लाइंस है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका लाइन सपोर्ट, लाइन सपोर्ट जिसको हम खंभा बोलते हैं, वो आपका आरसीसी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, रेल का भी हो सकता है, और स्टील टावर जो बड़े बड़े होते हैं वो होता है, तो कोई भी हो सकता है। उसके बाद क्रॉस आर्म जिस पे इंसुलेटर बांधते हैं, तार खींच के बांधेंगे उस पर, क्लैंप जो आपका क्रॉस आर्म है उसको होल्ड करने के लिए क्लैंप लगाते हैं, लाइन इंसुलेटर, दीज आर मेनी टाइप्स, यू विल आल्सो नो, पिन टाइप, साइकिल टाइप, सस्पेंशन टाइप, एंड स्टे इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, ETC। कंडक्टर जो हम चालक तार लगाएंगे उसकी बात हो रही है। उसके बाद में लाइटनिंग अरेस्टर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है उससे, डेंजर प्लेट लगाएंगे कि भाई कोई किसी को पता कैसे चलेगा कि ये कितने केवी की लाइन है, यहाँ हमें जानना उचित रहेगा या ख़तरनाक रहेगा, तो उसके लिए लगाते हैं डेंजर प्लेट। उसके बाद में आता है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस, कोई आम आदमी भी खंभे पे ना चढ़ जाए, चढ़ के पकड़ ले जाके उसको करंट लग जाए, जल जाए, मर जाए, तो विद्युत विभाग के ऊपर खतरा रहता है, तो इसे एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस भी लगाते हैं। बर्ड गार्ड, पक्षियों से सुरक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर LG फॉल्ट हो जाएगा लाइन में। स्टे अरेंजमेंट, स्टे अरेंजमेंट मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए लगाया जाता है पोल के साथ में। और जंपर्स, जंपर्स आप देखे होंगे जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में तार को खींच के बांध दिया जाता है, और जब लाइन को ट्रांसमिट किया, मतलब एक स्थान से दूसरे जहाँ पे इसे पोल लग गया, पोल के उधर ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, जंपर बांध के ले जाते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ ये जंपर्स कैसे होते हैं, जस्ट वेट कीजिए। सपोज आपका, सॉरी, तो देखिए जंपर्स कैसे होते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। जंपर्स जैसे ये आपका पोल हो गया, ठीक है, मैं ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो पोल पे ये हो गया आपका क्रॉस आर्म, ठीक है, और यहाँ हो गया, ये हो गया इंसुलेटर, ये हो गया इंसुलेटर, और एक इधर पोल है, ठीक है, और ये हो गया आपका क्रॉस आर्म, पोल का हो गया टोपी, और ये हो गया इंसुलेटर, और ये लाइन इधर से कहीं से आ रही है, इधर से, ठीक है। अब इसको आगे ले जाना है, तो जब आगे ले जाना है तो उसके लिए क्या होगा, ये बांध दिया गया इसमें इंसुलेटर में तार को खींच के, तो अब यहाँ से ऐसे
एग्जांपल लगाते हैं ऐसे ऐसे, फिर ये लाइन आगे बढ़ती है, तो इसी को हम बोलते हैं जंपर्स, जंपर्स। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। जो लाइन सपोर्ट हैं उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए जिससे वो लाइन को आराम से सपोर्ट प्रदान कर सकें और कोई दिक्कत ना आए बनाने के बाद में। तो सबसे पहली बात, जो पोल लगाएंगे उसके पास में हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो उसके पास ताकत अच्छी होनी चाहिए कि वो उस पे लगने वाले स्ट्रेस को सह सके। जब खिंचाव होता है, तनाव होता है तारों में, कंडक्टर को खींच के जब बांधा जाता है तो स्ट्रेस जनरेट होता है पोल पर। उसके बाद में वो हल्का होना चाहिए, उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए और देखने में अच्छा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, साथ में मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए और उस पर सुविधापूर्वक पेंट किया जा सके, क्रॉस आर्म आराम से लगाई जा सके। इस प्रकार से ये सपोर्ट के गुण होने चाहिए। अब देखिए, सपोर्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है पोल्स, दूसरा होता है टावर्स। पोल्स के अंतर्गत में दो टाइप्स के आते हैं। प्रेजेंट टाइम में वुडन पोल नहीं यूज होता है, वो ज़्यादातर ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो लाइन हमें अभी लगाना है 2-3 महीने बाद उखाड़ के रख देना है, तो वहाँ पे लगाते हैं। जैसे मेले में, इलाहाबाद प्रयाग संगम में, वहाँ पे वुडन पोल ही लगाए जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे हम उसकी जगह ट्यूबुलर पोल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पोल्स जो होते हैं वो 66 kV तक की लाइन के लिए 200 मीटर का जो स्पैम होता है, मतलब एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी को स्पैम बोलते हैं, वहाँ पे यूज किया जाते हैं। वुडन पोल आप बता ही दिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 11 kV तक के लिए यूज किए जाते हैं और इसकी लाइफ कम होती है, तो इसकी ये आप सीमित हो गया है यूज इसका। सिंगल पोल और डबल पोल, ए टाइप पोल होता है, फिर एच टाइप पोल होता है। ठीक है, देखिए ये आपका सिंगल पोल है, ये आपका सिंगल पोल है, ये ए टाइप है और ये एच टाइप पोल है। ठीक है, तो अब इसकी हाइट कितनी होती है ये आपको याद होना चाहिए। तो इसकी हाइट देखिए, ज़मीन के अंदर लगभग 1.8 मीटर के आसपास ये गड़ा होता है, अर्थात लगभग जो पूरे पोल की लंबाई है उसका 1/8 भाग। ये SSCJEE में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हमारा पोल होता है उसकी कितने भाग ज़मीन के अंदर रहता है। तो 1.8 मीटर नीचे लगते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये डंडे टाइप का, ये वाला, ये सपोर्ट प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद में आपका यहाँ से जो ग्राउंड लेवल है 5.8 मीटर ऊपर रहेगा, ये क्रॉस आर्म है और क्रॉस आर्म के ऊपर इतनी 1.5 मीटर जगह होती है। उसी प्रकार से ए टाइप पोल है, इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होती है इसकी अपेक्षा, और एच टाइप पोल है, इसका उपयोग ज़्यादातर आप जब लाइन को टर्मिनेट करना होता है, मतलब लाइन को घुमाना होता है या फिर सेक्शनलाइज करना होता है, मतलब लाइन कुछ दूर 2-3 किलोमीटर चल चुकी है, उसके बाद उसको सेक्शनलाइज करते हैं कि आधी तूफान आने के बाद में सेक्शनलाइजेशन के उधर अगर लाइन ख़राब होती है तो वहीं तक रुक जाए, तो इस टाइप के एच टाइप पोल यूज किए जाते हैं वहाँ पर। ठीक, तो इसकी लंबाई जो होती है 13.65 मीटर और ये 132 kV तक की वोल्टता के लिए यूज किए जाते हैं, 150 मीटर स्पैम रखा जाता है। इसी प्रकार से जो आपका ये है ए टाइप है, इसकी लंबाई 12.7 मीटर और जो वोल्टेज है 22 kV तक और
जो स्पैम है वो 80 मीटर होता है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो डाटा है ये कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जामों में, JEE वाले में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज ये आपके एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी कम रहती है, लेकिन मैं इसलिए बता के चल रहा हूँ कि आपको नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका स्टील टावर। तो जो स्टील टावर होते हैं वो मुख्य रूप से तीन टाइप के होते हैं। एक स्टील ट्यूबुलर पोल होता है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टील टावर जो होगा वो 66 kV तक की वोल्टता के लिए 200 मीटर स्पैन तक का यूज किया जाता है। तो स्टील ट्यूबुलर पोल मतलब बीच में खोखला रहता है, जैसे आप देखे होंगे हाईवे वे पे जो लाइटनिंग होती है स्टील ट्यूबुलर पोल के द्वारा होती है, और हाईवे के किनारे भी ज़्यादातर यही लगाए जाते हैं जहाँ पे हाइट ज़्यादा रखना होता है। तो 8.5 से 12 मीटर ऊंचाई तक के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, और इसके बाद में ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये सिंगल लाइन के लिए स्टील पोल है। ये टोटल ग्राउंड लेवल से ऊपर 9 मीटर की लंबाई का होता है। और ये एक जो है आप देख रहे हैं सिंगल टर्मिनल, ये आपका विभागीय पोल बोलते हैं इसको, हम सेक्शन पोल या फिर टर्मिनल पोल भी बोलते हैं। तो इस टाइप का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो आप क्रॉस देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगाया जाता है जहाँ ज़रूरत होगी। और इसके बाद में आपका आता है ये जो आप देख रहे हैं ये वाला आपका पोल जो है ये रेल पोल है और स्टील इस्पाती है। ठीक है, उसके बाद में ये सिंगल के लिए था, ये डबल सर्किट के लिए है। रेल पोल जो होता है रेलवे लाइन जो बनती है जिस पे रेल दौड़ती है उसका यूज़ करते हैं। आज के समय में ये नहीं किया जाता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी होता था। इसकी लाइफ तो अच्छी है बट ये भारी होने की वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो ज़्यादा लगता है, इसलिए नहीं यूज किया जाता है। 11 से 13 मीटर तक ये उपलब्ध होते हैं, 33 kV वोल्टता तक यूज किए जा सकते हैं। स्टील लैटिस पोल, अब इस प्रकार के जो पोल होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पे फिगर बना के बताता हूँ आपको, ये इस टाइप के होते हैं, बीच में ऐसे ऐसे होता है और इधर एक इंसुलेटर, इधर एक इंसुलेटर, एक यहाँ से जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सीमेंट कंक्रीट पोल, ज़्यादातर आपके गांव कस्बे शहर के किनारे जहाँ पे कॉलोनियों में जहाँ पर आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपके घर तक, ये सभी लगाए जाते हैं। तो ये इस टाइप के होते हैं, ये आप जनरली देखे होंगे, इसको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 8 से 11 मीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद आता है स्टील टावर। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका भी मन नहीं लगेगा पढ़ने में, बोलेंगे बोर हो जाएंगे। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेटेड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट पे, यदि आप वीडियो बनाने के लिए चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको ज़रूर बना के प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।